Good morning, students. Today we are learning our chapter 1, and the name of chapter 1 is sources of food. That means bhojan ke different sansadhan, matlab hame bhojan kahan kahan se milta hai. This is for class 6 and the subject is science. Now we are doing our questions, we are doing our exercise. So moving ahead with question A, choose and write the following correct answer. And here question number 1 is, which of the following are main sources of food? That means anaj ke mukhya sansadhan kaun kaun se hote hai, where option A is pulses and cereals. Pulses means dal, cereals means anaj. Option B is eggs and meats, ande evam mas. Option C is fruits and vegetables, and option D is animals and plants. So the correct answer will be animals and plants. Why? Because the main sources of food generally depends on animals and plants. Khane ka zyadatar hissa janvaron aur paudhon par depend karta hai. Now moving ahead with question number 2. And what is the question number 2 is? Which of the following parts of the plants are consumed by us? That means पौधे के वे कौन कौन से भाग हैं जो हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं. ऑप्शन ए इज रूट्स, ऑप्शन बी इज स्टेम्स, ऑप्शन सी इज लीव्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. क्या जड़ या तने या पत्तियां, और फोर्थ ऑप्शन है सभी भाग उपयोग में लाए जाते हैं. देन द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि पौधे के ये तीनों भाग हम हमारे उपयोग में लाते हैं. नाउ मूविंग अहेड विद क्वेश्चन नंबर 3. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन 3? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन्स? दैट मीन्स हियर वी आर गिवन विद 4 डिफरेंट ऑप्शंस एंड वी हैव टू सेलेक्ट द प्रोटीन वन ऑप्शन. एंड व्हाट इज द ऑप्शन ए? पल्सेस. ऑप्शन बी वेजिटेबल्स. ऑप्शन सी सीरियल्स एंड ऑप्शन डी फ्रूट्स. सो क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है. हैंस द आंसर विल बी पल्सेस, दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 4. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट्स? यहाँ पे हमें क्या बताना है बच्चों कि इन चार डिफरेंट ऑप्शंस में से पौधे का प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, मतलब जो हमें पौधे से नहीं मिलता है हमें वह बताना है. ऑप्शन ए इज क्लोव्स. क्लोव्स का मतलब होता है लौंग. लौंग तो हमें पौधों से मिलती है. ऑप्शन बी है मिल्क. क्या मिल्क हमें पौधों से मिलता है? ऑप्शन सी है मैंगो एंड ऑप्शन डी है मिलेट. मिलेट का मतलब भी अनाज होता है. यह एक छोटे दाने वाला अनाज होता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मिल्क. मिल्क इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट. ओके, मिल्क हमें जुगाली करने वाले जानवरों से मिलता है. नाउ मूविंग अहेड पोटैटो इज द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट. आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? ऑप्शन ए स्टेम, दैट मीन्स तना. ऑप्शन बी रूट्स, दैट मीन्स जड़. ऑप्शन नंबर सी इज फ्रूट, क्या यह फल है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज फ्लावर, क्या यह फूल है? सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पोटैटो? इज स्टेम. ओके बच्चों, यहाँ पे रूट पे गलती से टिक लग गया है, इसे सारे बच्चे करेक्ट कर लेंगे. पोटैटो इज द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. जो आलू होता है वह पौधे का तने वाला भाग होता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर बी. नेम द फॉलोइंग. ओके, वी हैव टू गिवन अ वन वर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1. हर्बी वोरस दैट ईट देयर फूड ट्वाइस. हर्बी वोर्स यानी होता है ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं, जैसे कि पेड़ पत्तियाँ पौधे. देन हर्बी वोर्स दैट ईट देयर फूड ट्वाइस, ऐसे शाकाहारी जीव हमें बताने हैं जो अपने भोजन को दो बार खाते हैं. ट्वाइस दैट मीन्स एक बार स्टमक में भोजन जाने के बाद वापस से माउथ में रिटर्न होता है और वो उसे दोबारा च्यू करते हैं. इसे हिंदी में कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर. एंड
इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है रुमिनेंट्स, रुमिनेंट्स यानी जुगाली करने वाले जानवर। ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन है एनिमल्स दैट ईट हर्बीवोर्स और अदर एनिमल्स, ऐसे जीव हमें बताने हैं जो हर्बीवोर्स एंड बाकी के एनिमल्स को ईट करते हैं, मतलब जो शाकाहारी को भी खाते हैं एंड जीव जंतुओं को भी खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स यानी जो शाकाहारी जीव जंतुओं को भी खाते हैं और बाकी के जानवरों को भी खाते हैं, मतलब ये जो कार्निवोर्स कैटेगरी होती है ये पौधे नहीं खाती, ये सिर्फ जीव जंतु और बाकी के एनिमल्स को खाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमें ऐसे एनिमल्स का नाम बताना है जो पौधे भी खाते हैं और जीव जंतु भी खाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ओमनीवोर्स। यहाँ पे गलती से गलत आंसर लिख दिया गया है, हर्बीवोर्स नहीं होगा बेटा, आंसर होगा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स की स्पेलिंग सब लिख लेंगे, मैं बता देती हूँ ओमनीवोर्स की स्पेलिंग होती है ओ एम एन आई वी ओ आर ई एस। ओके, सब लोगों ने नोट डाउन कर ली ओमनीवोर्स की स्पेलिंग। ओके, नाउ लेट्स गेट अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल्स दैट ईट डेड एंड डिकेइंग फूड, ऐसे जानवर जो सड़ी गली चीज़ें, डिकेइंग फूड यानी सड़ा हुआ खाना या डेड छोटे जानवरों को खाते हैं, तो ऐसे कैटेगरी को क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स। क्या कहा जाता है, स्कैवेंजर्स। नेक्स्ट है दे मेक आर फूड टेस्टी, व्हाट मेक आर फूड टेस्टी, किन से हमारा खाना टेस्टी लगता है, सो आंसर विल बी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के थ्रू द फूड विल बी टेस्टी। नाउ मूविंग अहेड विद द क्वेश्चन नंबर सी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर वन इज द मेन फूड सोर्सेज आर प्लांट्स, दिस इज फॉल्स। व्हाई, बिकॉज द मेन फूड सोर्सेज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी फॉल्स। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हीट बार्ले मेज आर नोन एज सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब क्या होता है, अनाज। व्हीट दैट मीन्स गेहूँ, बार्ले दैट मीन्स बाजरा, मेज यानी मक्का, तो क्या ये सभी अनाज होते हैं, येस दे आर डेफिनेटली सीरियल्स, सो दिस ऑप्शन विल बी ट्रू। थर्ड इज ऑल फ्रूट्स आर स्वीट्स एंड जूसी, येस डेफिनेटली ऑल फ्रूट्स आर स्वीट एंड जूसी। जिंजर क्यूमिन सीड क्लोव्स आर पल्सेस, जिंजर क्यूमिन सीड्स एंड क्लोव्स, क्या यह पल्सेस होती है, नहीं बेटा यह पल्सेस नहीं होती, ये मसाले होते हैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट स्पाइसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्निवोर्स ईट ओनली स्मॉलर एनिमल्स, कार्निवोर्स की मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी, जो हर्बीवोर्स को खाते हैं या फिर एनिमल्स को खाते हैं, राइट, सो दिस ऑप्शन विल बी ट्रू। नेक्स्ट विल बी हाइनस एंड जैकल्स आर स्कैवेंजर्स, हाइनस एंड जैकल्स स्कैवेंजर्स नहीं होते बेटा, हाइनस एंड जैकल्स दैट मीन्स लकड़बग्घे के बारे में हमने सब सुन हम सब ने सुन रखा होगा, तो यह एक टाइप का एनिमल होता है, नॉट स्कैवेंजर्स। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन विल बी फ्रॉग एंड लिजर्ड हैव टंग्स टू कैच वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, फ्रॉग एंड लिजर्ड के पास एक टंग होती है जिससे वह वर्म्स एंड इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और ये इंसेक्ट्स एंड वर्म उनकी टंग पे जाके चिपक जाते हैं, सो दिस ऑप्शन विल बी ट्रू। नेक्स्ट फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम हमारा काम व खेलते हैं, दिस ऑप्शन ऑल्सो इज ट्रू। नाउ मूविंग अहेड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पे बेटा हमें आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चंस के। ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर वन ओवर हियर, द क्वेश्चन वन इज व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज इनटू व्हिच फूड फ्रॉम प्लांट इज डिवाइडेड, पौधे से जो हमें खाने मिलते हैं वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एंड आंसर इसका क्या होगा बेटा, आंसर इज आर फूड कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट पार्ट्स,
हमारा खाना पौधे के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आता है, जैसे कि स्टेम, रूट्स, लीव्स. दीज पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट टू प्लांट्स. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन हियर इज, राइट डाउन वेरियस स्टेप्स टू प्रूव दैट फूड विच वी ईट कम्स. हमारा खाना हमें कैसे मिलता है, वो फॉलोइंग स्टेप्स हमें बताने हैं. एंड द आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज, एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू कैरी ऑन विद द प्रोसेस ऑफ लिविंग. हर जीव जंतु को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती होती है जीवित रहने के लिए. द एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड. और यह एनर्जी हमें किससे मिलती है बेटा, फूड से मिलती है. इट इज़ ऑल्सो गिव्स अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज. बीमारियों से लड़ने में मदद करने के लिए भी यही एनर्जी काम आती है. डू यू थिंक समटाइम्स वेयर डज योर फूड कम फ्रॉम. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है यह खाना कहाँ से आता है? यू नो द आंसर ऑलरेडी. आप सभी बच्चों को पता है ऑलरेडी आंसर इसका क्या है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड कम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. अलग अलग तरीके का खाना हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलता है. बट द मेन सोर्सेज ऑफ फूड एंड प्लांट्स आर प्लांट्स एंड एनिमल्स. मेन कौन से सोर्सेज है? प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, राइट डाउन मेन फंक्शंस ऑफ फूड. खाने की डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हमें बताने हैं. एंड द आंसर विल बी, फूड इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू स्टे अलाइव. बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है जीवित रहने के लिए? फूड, राइट. फोर मेन फंक्शंस ऑफ फूड आर गिवन. फूड के हम फोर मेन फंक्शंस यहाँ पे आपको बताएंगे. एंड व्हाट आर दीज फंक्शंस? फंक्शन नंबर ए, एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प आर बॉडी ग्रो. हमारी बॉडी को ग्रो करना इस फूड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. इफ़ इनफ फूड इज़ नॉट टेकन बाय अस, वी विल नॉट बी हेल्दी. अगर हमने इनफ फूड नहीं लिया है तो हमारी बॉडी हेल्दी नहीं रहेंगी और ना हम हेल्दी रहेंगे. सेकेंड फंक्शन इज़, फूड प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिसीजेज एंड इन्फेक्शन. खाना हमें अलग अलग बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचाए रखता है. नाउ फंक्शन थर्ड, We need food for replacement and repairing of our damaged organs. जो चोट लग जाती है, जो internal organs damage होते हैं, उसकी repairing के लिए भी हमें food की necessity होती है. Function 4. The main function of food is to give us energy for movements like running, walking, racing or jumping. Main function खाने का क्या होता है? ये जो movements होते हैं इसके लिए necessary होता है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, रेजिंग एंड जंपिंग. नाउ मूविंग अहेड विथ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ? व्हाट आर सीरियल्स? नेम एनी फोर फूड आइटम्स विच वी ईट गेट सीरियल्स. सीरियल्स क्या होते हैं और चार सीरियल्स फूड के हमें नाम बताने हैं. सो द आंसर विल बी, वी ऑब्टेन सीरियल्स फ्रॉम प्लांट्स. अनाज हमें किससे मिलता है बच्चों? पौधों से मिलता है. वीट दैट मीन्स गेहूँ, बार्ले दैट मीन्स जवार, मिलेट छोटे दानों वाला अनाज, मेज दैट मीन्स मक्का, राइस दैट मीन्स चावल आर सीरियल्स. ये सभी के सभी क्या है? अनाज है. विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सीरियल क्रॉप्स, जो फसल के थ्रू हमें मिलता है. These food items are also known as food grains. इन food items को हम क्या कहते हैं? अनाज के दाने भी कहते हैं. These cereals are mainly used for making chapatis and beverages. इनका ज़्यादातर उपयोग चपाती and beverages बनाने में होता है. Now, moving ahead with our next question. And question number fifth is, what are ruminants? बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है कि रुमिनेंट्स यानी क्या होता है. सो द आंसर विल बी, सम हर्बीवोर्स दैट ईट द सेम फूड ट्वाइस आर कॉल्ड रुमिनेंट्स.
ऐसे हर्बीवोर्स यानी ऐसे शाकाहारी जीव जो खाने को दोबारा से अपने मुंह में लाके च्यू करते हैं उन्हें हम रुमिनेंट्स कहते हैं। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर, जैसे गाय, बकरी, भेड़, ऊंट एक्सेट्रा। नाउ मूविंग विद क्वेश्चन नंबर 6, ह्यूमन बींग आर कॉल्ड ओमनीवोर्स, वाई? इंसान ओमनीवोर्स क्यों कहलाते हैं? गिव अस द रीजन एंड द आंसर विल बी ओमनीवोर्स आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओमनीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पौधे भी खाते हैं एंड जीव जंतुओं को भी खाते हैं। दे हैव डिफरेंट ऑर्गन्स दैट कैन डाइजेस्ट बोथ टाइप्स ऑफ फूड्स। इनके पास डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये हर प्रकार का खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि ओमनीवोर्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है बेटा ह्यूमन, हम। देयर आर मैनी ओमनीवोर्स लाइक लैंड एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एनिमल्स। लैंड एनिमल्स लाइक बियर्स, फॉक्सेस, डॉग्स एंड ह्यूमन्स आर ऑल ओमनीवोर्स। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं जैसे भालू, लोमड़ी, डॉग्स, ह्यूमन्स, राइट? नाउ ओनली ह्यूमन कैन चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ फूड। इंसान वैरायटी फूड की अलग अलग चूज कर सकता है। बर्ड्स लाइक क्रोज एंड स्पैरोज हैव बीक फॉर ईटिंग बोथ प्लांट सीड्स एंड इंसेक्ट्स। कौवे और स्पैरोज के पास, कबूतरों के पास एक बीक होती है जिससे वह पौधे भी खा सकते हैं प्लस इंसेक्ट्स कीड़ों को भी खा सकते हैं, तो वो भी क्या हुए? ओमनीवोर्स हुए। सिमिलरली द हैन कैन ईट सीड्स एंड हैज ऑल्सो फ्लैट बंक क्लॉज टू डिग द ग्राउंड फॉर अ टेस्टी वॉर्म। हैन शाकाहारी सीड्स भी खा लेती है प्लस वॉर्म को भी खा लेती है। वाटर एनिमल्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। वाटर एनिमल्स एंड वेडिंग बर्ड ईटिंग प्लांट एंड एनिमल्स, यह भी पौधों और जानवर दोनों को खा लेते हैं। दीज टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड प्लैंकटॉन। इन छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कहते हैं? प्लैंकटॉन कहते हैं। नाउ मूविंग अहेड विथ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। What are scavengers? Give two examples of scavengers. So, the answer of question number 7 is animals which live on dead and decaying food. ऐसे animals जो मरे हुए और सड़े गले खाने पर जीवित है उन्हें are called scavengers. उन्हें हम scavengers कहते हैं. For example, eagle and snake. Eagle, snake सभी ने ही देखे होंगे बेटा, टीवी में तो देखे ही होंगे। तो यह किसके एग्जाम्पल होते हैं? स्कैवेंजर्स के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि यह मरे जीव जंतु और सड़े गले खानों पर डिपेंड करते हैं।